हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं अभी शोन को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, नींद हुई क्या पूरी? नहीं हुई। 11 बजे या 12 बजे होते पूरी। तो स्कूल में सोता है क्या तू? और आज क्या स्पेशल चीज क्या है? आज का स्पेशल है अवार्ड शो, जो विवा वेटलैंड है ना, वहाँ के मैं 5 स्टार बर्ड्स दिखाने वाला हूँ पब्लिक को। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ विवा वेटलैंड। पहले भी मैं आपको यहाँ पे लेके आया था, और ये बहुत ही खूबसूरत वेटलैंड है। विरार रेलवे स्टेशन से लगभग 10 मिनट की दूरी पे ये वेटलैंड है, और मुंबई के काफ़ी सारे बर्डर्स यहाँ बर्डिंग के लिए आते हैं। यहाँ के भी लोकल बर्डर्स बहुत बार यहाँ पे बर्डिंग के लिए आते हैं। आज पूरा दिन मुझे यही निकालना है, सो मैंने 2 स्पॉट यहाँ के चुने हैं। देखिए, ये पहला स्पॉट है जहाँ से आपको अच्छी तरह व्यू मिलता है। मॉर्निंग के लिए ये स्पॉट बहुत ही अच्छा है, और इवनिंग के टाइम पर लाइट के हिसाब से दूसरा स्पॉट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो इवनिंग के लिए ये वाला स्पॉट ठीक रहेगा। आप देख सकते हैं पूरा अगेंस्ट सनलाइट है, सो मॉर्निंग में यहाँ से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना मुश्किल हो जाएगा। सो मॉर्निंग में मैं वो स्पॉट पे बैठूंगा, और आफ्टरनून सेशन के बाद में मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और आज यहाँ एक स्पेशल अवार्ड शो होने वाला है, जिसके लिए आप तैयार रहिए। इस अवार्ड शो में मैं यहाँ के जो 5 सितारे हैं, जो 5 हाइलाइटेड बर्ड्स है, जो 5 मोस्ट वांटेड बर्ड्स है, उनको आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए तो फिर अभी काउंटडाउन चालू करते हैं। और 5वीं पायदान पे है यहाँ का सबसे शर्मिला खिलाड़ी, जिसका नाम है रडी ब्रेस्टेड क्रेक। और अभी आपको दिखाता हूँ रडी ब्रेस्टेड क्रेक। ज़्यादातर रीड्स के अंदर अंदर किनारे किनारे छुप छुप के रहना ये पसंद करते हैं। हमेशा डर डर के जीना इनकी आदत सी है। सो रडी ब्रेस्टेड क्रेक का शो आपको बहुत ही अच्छा लगा रहेगा। और इसके बाद है यहाँ का सबसे खूबसूरत खिलाड़ी, जो कि 4थी पायदान हासिल किया है, उसका नाम है पेजन टेल जकाना। हिंदी में इसे जल कपोत या जल मयूर के नाम से जाना जाता है। उथले पानी में धीरे धीरे चल के पानी की सतह से ये कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जलीय जीव खाते हैं। प्रजनन काल के दौरान इसकी लंबी कौड़ पूछ से ये सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रजाति की खासियत ये है कि इसकी मादा जो है वो बहुनरगामी होती है, यानी एक प्रजनन के मौसम में ये अनेक नरों के साथ मिलन करती है। और दोस्तों, अब बारी है तीसरे पायदान की, और तीसरे पायदान पे है यहाँ का एक कलरफुल स्नाइप, जिसका नाम है ग्रेटर पेंटेड स्नाइप। पूरा धूप मेरे आँख पे आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आँखों में खिंचाव रहेगा। सो देखते रहिए कलरफुल ग्रेटर पेंटेड स्नाइप। अपनी लंबी चोंच से उथले पानी और कीचड़ में फंसे कीड़े मकोड़े, जलीय जीव और बीज खाना इन्हें पसंद है।
जनरली पक्षी जगत में नर मादा से अधिक सुंदर होता है, लेकिन इस प्रजाति की खासियत यह है कि इसमें मादा नर की अपेक्षा ज़्यादा खूबसूरत होती है और मादा बहुनरगामी भी होती है। मादा के गर्दन का कलर नर की तुलना में काफी रेडिश ब्राउन होता है। आज पूरा मॉर्निंग सेशन इन तीनों बर्ड्स की वीडियोग्राफी में चला गया। मैं जस्ट खाना खा के यहाँ पे आया हूँ, थोड़ा छाँव में बैठा हूँ और अभी आपको दिखाऊंगा ऐसा बर्ड्स जो कि यहाँ की दूसरे पायदान पे है और उसका नाम है स्लेटी ब्रेस्टेड रेल, जो कि बहुत ही खूबसूरत रेल है लेकिन काफ़ी कम बार उनका साइटिंग लोगों को हुआ है। सो अगर किसी को साइटिंग भी हुआ है तो बहुत ही मतलब एक जस्ट ग्लिम्स उसको मिला है। सो काफ़ी जन को ये लाइफर था, इसके लिए ये दूसरी पायदान पे है स्लेटी ब्रेस्टेड रेल। रडी ब्रेस्टेड क्रेक की तरह ये भी काफ़ी शर्मीली प्रजाति है। रीड्स के किनारे किनारे फॉरेजिंग करना इन्हें पसंद है। नहाते वक्त शायद ये आपको इस तरह ओपन में मिलेगा। फाइनली अब बारी आ चुकी है यहाँ का जो सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है इस वीवा वेटलैंड का, उसका नाम डिक्लेयर करने की, और उसका नाम है वाटर कॉक, जो कि यहाँ का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है। सब लोगों की डिमांड थी कि वाटर कॉक हमें चाहिए, वाटर कॉक हमारा लाइफर है। वाटर कॉक देखने के लिए काफ़ी सारे लोग बम्बई से भी यहाँ पर आ चुके थे और वाटर कॉक का उनको साइटिंग हुआ। सो इसके लिए हम खुश है कि यहाँ का सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वाटर कॉक, उसको पहली पायदान मिल चुकी है, पहले पायदान पे है यहाँ का सबसे लोगों का पसंदीदा खिलाड़ी वाटर कॉक। देखिए वाटर कॉक नंबर वन। वाटर कॉक का साइटिंग बहुत ही रेयर माना जाता है और इसीलिए वो काफ़ी जन का लाइफर भी है। इनमें नर और मादा का रंग भिन्न होता है। काले रंग का नर उसकी पीली चोंच और लाल तिलकधारी कवच से आप इजीली पहचान सकते हो। उतले पानी और कीचड़ से ये जलीय जीव छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बीज ढूंढ के खाते हैं। इनमें नर को पहचानना इजी होता है, लेकिन मादा और अवयस्क नर को पहचानना थोड़ा मुश्किल है।
क्योंकि वे दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं। धीरे धीरे शाम ढल रही है, पंछी अपने घर वापस लौट रहे हैं। अब मुझे भी मेरे घर जाना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब अगर किया नहीं है अपने चैनल तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अल्सो।